दोस्तों, अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं हो तो बहुत ज्यादा जो फन है वो मिस कर रहे हो, क्योंकि आज के समय में ट्विटर पर तुम क्या हो गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी किसी को पड़ी नहीं थी और अब आज के समय दुनिया का सबसे एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि कोई भी चीज अगर ट्विटर पे होती तो सभी यूजर्स के लिए हो जाती और कुछ ना कुछ नई और अतरंगी चीजें देखने को होती। जिसकी बात करें, आमतौर पर वेरीफाइड टेक यूट्यूब पे और या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कैसे मिलता है, कोई भी नोटेबल पर्सनैलिटी होती है, कोई भी रहता है, कुछ अचीवमेंट करता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब उसको एनालाइज करता है फॉर्म एप्लीकेशन को और उसके उसे ब्लू टिक या वेरीफाइड टिक दे देता है। ट्विटर पे अब ये हो गया कि कोई भी इंसान जो रहेगा वो ब्लू टिक ले सकता है, क्योंकि वो ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन है, तो उसको भी उसको वेरीफाइड टिक मिलेगा। इसके साथ ही कोई भी इंसान अगर यहाँ पे वेरीफाइड है तो वेरीफाइड भी रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने कुछ समय पहले एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी थी, कोई भी कंपनी अगर ऑफिशियल अकाउंट है तो नीचे आपको ऑफिशियल अकाउंट का टैग भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ समय के लिए रहा ट्विटर पे, लेकिन एक घंटे के बाद ये चीज पसंद नहीं है उसके रोल बैक कर लिया गया। और उसके बाद देखा तो फिलहाल अभी के समय में ऑफिशियल अकाउंट वाली चीज कुछ समय के लिए दोबारा से देखने को मिल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस होते हैं, जो रेप्यूटेटेड बिजनेस होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अकाउंट के नीचे, ताकि उनको कोई इंपर्सनेट नहीं कर सके, क्योंकि जो ब्लू टिक है वो तो यहां पे कोई भी ले सकता है। खैर, ये एक चीज यहां पे ट्विटर के साथ हो रही है, लेकिन ट्विटर के साथ इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों हो रही है? देखो, पीछे का रीजन है मिस्टर एलन मस्क। देखो, उनका एक मानना था शुरुआत से कि वो ट्विटर का पार्ट बनना चाहते हैं, उनको ट्विटर काफी ज्यादा पसंद है। शुरुआत में उन्होंने ट्विटर के काफी सारे शेयर्स अपने अंदर ले लिए और अपने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड करने वाले थे, लेकिन बात किया तो ट्विटर पे कंप्लीट कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्विटर को ऑफर दिया $44 बिलियन का। बाद में ट्विटर वाले मुकर गए, इधर उधर से फंडिंग लाके अपना वैल्यूएशन इंक्रीज कर दिया, काफी सारी चीजें करी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाके, लेकिन बाद में युवा के कोर्ट केस वगैरह चला और एंड में यह हुआ कि ट्विटर वाले भी चाहते थे कि ये जो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इतना प्रॉफिट नहीं बना रही और एक हद तक यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, तो बेटर ये है कि इस लॉस मेकिंग कंपनी को चलाने से बेटर कि हम पूरी की पूरी कंपनी मिस्टर मस्क को बेचते हैं, सारी टेंशन उन्हीं दे देते हैं और उसके बाद यहाँ आउट हो जाते हैं। और उसके बाद देखा तो एलन मस्क को काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ। और देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार कोई नई चीज ले लेते, जैसे किसी ने नया आईफोन ले लिया और उसके बाद लगता है कि चलो यार हवाबाजी में, चलो हमने आईफोन तो ले लिया, लेकिन बाद में लगता है खर्चा बहुत हो गया। और यही $44 बिलियन देखे यहां पे एलन मस्क को हुआ। बेसिकली बात किया तो ट्विटर को रोजाना $4 मिलियन का लॉस हो रहा है और इस सब लॉसेस से उभरने के लिए कंपनी में बहुत सारी चीजें की जा रही है। यहां पे काफी सारे एम्प्लॉयज, लगभग आधे से ज्यादा क्लेम किए जाते हैं, उन्होंने कंपनी से निकाल दिया और इंडिया से 90% लोगों को ट्विटर कंपनी ने फायर कर दिया जो यहां पे काम करते थे कंपनी के अंदर। इसके साथ बात किया तो जब ट्विटर में एलन मस्क आए तो उसके बाद जो एडवर्टाइजर होता है वो यहां से पीछे हट गए, लेकिन एक अच्छी बात हुई, जो एक्टिव यूजर बेस था ट्विटर का वो अब बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग गया। इसके साथ बात किया तो काफी सारे चेंजेस कर रहे हैं और ट्विटर आज के समय में ऐसे चेंजेस कर रहा है अपने अंदर जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकता है, चाहे ब्लू टिक की बात करें, क्योंकि एलन मस्क चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्होंने जो पैसा निकाला वो यहां पर कन्वर्ट हो जाए और जल्दी जल्दी हम यहां पैसा बना ले। काफी सारे कोर एम्प्लॉय या सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने कंपनी यहां पे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो ट्विटर का एलन मस्क का कुछ प्लान ऐसा है कि यहां पे हम जैसे चाइना में वीचैट चलता है, वेल इंडिया में तो चलता नहीं है, लेकिन वीचैट जैसे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें होती है, वैसे ट्विटर के साथ कर दो, यानी कि यहां इस एप्लीकेशन में आप चैटिंग भी कर लेंगे, पेमेंट वगैरह करनी है वो भी कर लेंगे, आप इसके अंदर वीडियो भी देख लेंगे, यहां तक कि वीडियो किसको डाउनलोड करना है उसका बटन भी ये लोग दे देंगे, वीडियो शेयर करना है वो भी दे देंगे, इसे यूट्यूब जैसा भी बना देंगे, इसे इंस्टाग्राम भी बना देंगे, इसे लिंक्डइन भी बना देंगे, इसे फेसबुक भी बना देंगे, यानी कि ट्विटर छोड़ के सब कुछ यहां पे आने वाले समय बन जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। अब देखना कि ट्विटर का यहाँ पे क्या रहता है आने वाले समय में, क्योंकि ट्विटर देखा तो बंद तो नहीं होगा, लेकिन जो चीज ट्विटर को सोच के बनाई गई थी उससे यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं, यहां तो ट्विटर का एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा नीचे, या फिर ट्विटर यहां से काफी ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। आप लोग क्या लगता है, ट्विटर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता देना। खैर, लेकिन एक चीज जो मार्केट में जो यहाँ पे नीचे जा रही है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था, वो है स्मार्टफोन। देखा जाए तो इंडिया और पूरे ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की अगर मैं अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहा था तो एक बात पता चली, यहाँ पे सेल्स अब डिक्लाइन हो रही है, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो मोबाइल फोन्स में रह नहीं गया। देखो, लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि इसके पीछे का रीजन है कि फोन्स बोरिंग हो गए, महंगे हो गए, कुछ खास आ नहीं रहा। बात सही है अगर आप एंथुजियास्ट हो फोन्स के, क्योंकि कुछ साल पहले तक, यानी कि 18-19 तक एक ऐसा टाइम था जहां पे मोबाइल फोन्स में बहुत अच्छी चीजें होती थी, आपको तरह तरह के नए इनोवेशन देखने को मिलते थे और लोगों को ये चीज बहुत पसंद भी आती थी। लेकिन क्या हुआ कि स्मार्टफोन इनोवेशन भी पीक हो चुका है, जिन लोगों को स्मार्टफोन पहुंचना था वहां तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद कहानी है कि स्मार्टफोन एक कमोडिटी की तरह में रह गया, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, पंखा, ये होता है ना,
इसकी कैटेगरी में आता जा रहा है, यानी कि कुछ लिमिटेड ब्रांड्स रहेंगे, ये अपने प्रोडक्ट्स निकालते रहेंगे, जिसको ज़रूरत है वो लेगा, जिसको ज़रूरत है नहीं लेगा, पुरानी जो चीज़ चल रही चलाता रहेगा, क्योंकि नए वाले में कुछ ऐसा है नहीं कि आदमी इतना खर्चा करके नया क्यों ले। और यही एक रीज़न है इसके साथ, क्योंकि स्मार्टफोन में जो सैचुरेशन लेवल आना था वो आ चुका है, और लोग भी यही चीज़ जानते हैं, और लोग भी पता है कि वो इस बार धीरे धीरे बोर होने लगे हैं। अभी भी देखा तो कोई नई चीज़ आती, कोई नया फ़ोन आता है तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है इस उम्मीद में कि उस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक दो सालों के बाद ये इंटरेस्ट भी बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा। और होगा क्या एंड में बताऊँ, यहाँ पर लिमिटेड कंपनीज ही रहेंगी, लिमिटेड फ़ोन्स आएंगे, फ़ोन की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आप ऐसा देख सकते हैं कि आप कोई बहुत ही भयानक इनोवेशन या कोई नई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वही चीज़ें चलती रहेंगी और छोटा मोटा उसमें इंप्रूवमेंट आता रहेगा। और जो बिल्कुल ही घटिया कचरा फ़ोन होते थे ना, वो तो मार्केट सब साफ हो ही चुके हैं, बस ये कि जो अच्छे फ़ोन्स बचे हैं उनकी कीमतें यहाँ पर ज़्यादा रहेंगी। और मैं आपको बता सकता हूँ, जो सस्ते में अच्छी चीज़ें देखने को मिला करती थी ना, ये सारी चीज़ें पास्ट की हो चुकी है। आने वाले समय में सस्ते और अच्छे फ़ोन्स आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, आपको मिल ही नहीं सकते, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। तो खैर, ये एक ऐसी बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था कि स्मार्टफोन मार्केट को लेकर ऑलरेडी इस टाइप की चीज़ें पीसी मार्केट में हो चुकी हैं, और इसीलिए पीसी मार्केट में कोई नई कंपनी नहीं आती, सिर्फ लिमिटेड कंपनीज वो अपना काम करती रहती है, प्रोसेसर में इवॉल्व होता है, जीपीयू के अंदर इवॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नया नहीं आता। तो हाँ, ये कहानी अब स्मार्टफोन मार्केट की है, बोरिंग की बात नहीं है। अभी मार्केट यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है, और अब देखने की स्मार्टफोन को आगे चल के क्या चीज रिप्लेस करती है, क्योंकि पीसी मार्केट ऑलरेडी अपना पीक रीच कर चुका था, लेकिन स्मार्टफोन्स के अंदर हमें पता नहीं कि स्मार्टफोन्स को आगे चल के क्या चीज रिप्लेस करी, क्योंकि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती यहां पे। और इसी का एक रीजन आप लोग देख सकते हैं कि आईफोन 14 प्लस जो एप्पल ने जोर शोर से रिलीज किया था, वो एक फ्लॉप साबित हुआ। क्योंकि बात किया तो आईफोन 14 प्लस एक ऐसा आईफोन था जिसे मिनी आईफोन को कैंसिल करके बनाया गया था, और मिनी आईफोन इसलिए सक्सेस हुआ था शुरुआत में, एप्पल को लगता था कि लोग छोटे आईफोन की डिमांड करेंगे, लेकिन कभी उस छोटे आईफोन पे गए नहीं, और फिर एप्पल को लोग एक बड़ा आईफोन बनाते हैं, लेकिन आईफोन 14 प्लस एक ऐसी टेरिटरी में घुस गया जहां पे लोगों को लगता है कि यार एक छोटा आईफोन ही सही है हमारे लिए, 6.1 इंच का बड़ा आईफोन को लेने की जरूरत नहीं, और इतना बड़ा अगर हम ले रहे तो क्यों ना प्रो मॉडल पे चल जाए, आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा, कैमराज बेटर मिल जाएंगे, बिल्ड बेटर मिल जाएगी, फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो लोग वहां पे कर रहे हैं। और इस बीच में जो आईफोन 14 प्लस है ना, वो थोड़ा ऐसा रह गया, किसी को अगर सस्ते में चाहिए तो आईफोन 14 लेगा, अगर किसी को और सस्ते में चाहिए तो पुराना आईफोन 13 लेगा, महंगे में चाहिए तो आईफोन 13 प्रो के पीछे जाएगा, या फिर ज्यादा खर्चा करके आईफोन 14 प्रो ही ले लेगा। आईफोन 14 प्लस का मार्केट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो रखा है, और लगता है कि आईफोन 14 प्लस भी यहाँ पे एक फ्लॉप साबित हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में आने वाले समय कुछ एक्साइटिंग फोन्स आने वाले, लेकिन उनका जो हर्ष है ना, वो भी आप अच्छा मत समझना। देखो, रियलमी का 10 प्रो प्लस आने वाला है, जिसके अंदर कर्व एमोलेड डिस्प्ले, 108 MP कैमरा, मीडियाटेक डिमेंसिटी 1080 लेके आने वाले। मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन सही है, प्राइस पॉइंट पाए तो एक अच्छा फोन होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, 10 प्रो प्लस जिसका सक्सेसर है वो था रियलमी का 9 प्रो प्लस। 9 प्रो प्लस भी का अच्छा फोन था, हमें पता था, कैमरा अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, एमोलेड स्क्रीन थी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था, प्रोसेसर अच्छा था, फास्ट चार्जिंग थी, सारी चीजें बहुत बैलेंस थी और एक अच्छा फोन था। लोगों का 20-25 हज़ार की रेंज में एक ऐसा फोन था जो हमें काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि उतना अच्छा फोन बनाने के बावजूद भी रियलमी का वो फोन यहाँ बिका ही नहीं? यार, फ्लिपकार्ट पे हमने कुछ पता लगवाई थी चीज़ें, इसकी बहुत सारी यूनिट्स अनसोल्ड रह गई थी और बाद में से सेल वगैरह में निकाला गया, लेकिन उतना अच्छा बड़ा हिट साबित नहीं हुआ जितना रियलमी को लगा था, रियलमी ने इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन किया था, उतना फोन नहीं चला। और यही कहानी से 10 प्रो प्लस के साथ भी हो सकती है। देखो, कहने का मतलब ये कि कंपनियां अच्छे फोन निकाल रही हैं, लेकिन अच्छा फोन मार्केट में हिट हो जाए इसकी गारंटी यहां पे बिल्कुल नहीं बची, ये एक ऐसी चीज हो गई यहां पे। और देखा है तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ मेटा से रिलेटेड एक न्यूज बता सकता हूं। मेटा वाले बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे क्रिएटर्स के ऊपर, इंस्टाग्रामर्स के ऊपर, इवेंट्स वगैरह करवाने के ऊपर, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात पता है क्या है? मेटा की इंटरनल हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है। रिसेंटली उन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज को यहां पे फायर कर दिया अपनी कंपनी से, जो कि फेसबुक जब से शुरू हुई थी उसने बाद में जब नाम बदल के जब से मेटा हुआ उसके लेके अभी तक उसने अपने कंपनी से एक भी आदमी को फायर नहीं किया था। मतलब मास ले ऑफ होता है ना, कंपनी से बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल देना, वो चीज़ नहीं करी थी। क्योंकि बात की जाए तो जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज होती ना सोशल मीडिया, ये एड्स पर रन करती है, और आज के समय में एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू इनका काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हर एक कंपनी जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करती थी वो रिसेशन के चक्कर में कॉस्ट कटिंग कर रही है। और मेटा को लगा था कि उसका वो इनएविटेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और सोशल मीडिया तो कभी ख़त्म हो गई, और कोई भी चीज़ आएगी तो उसका ऑल्टरनेटिव तो बना ही लेंगे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे गलत हुई। इवन उन्होंने सोच रखा था सोशल मीडिया चलता रहेगा, आगे हम मेटावर्स पे कूद जाएंगे और उस पे पैसा बनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया भी उनका इतना अच्छा नहीं चल रहा, आगे चल के मेटावर्स पे जो उन्होंने इतना
बड़ा खर्चा कर रखा है वो भी इनको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। और इस चक्कर में एक मेटा और फेसबुक जैसी कंपनी की भी हालत यहाँ खराब है। सोशल मीडिया बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है, स्मार्टफोन अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है, लोगों का यूजेज पैटर्न बदल रहा है। हम लोग देखा तो इवोल्यूशन वाले फेज के अंदर है जहां पे जो चीज आती थी वो स्टेबल हो गई, लेकिन अब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया जहां से कहानी कुछ भी बदल सकती है। आप लोग बताइए आगे चलकर सोशल मीडिया स्मार्टफोन सबका फ्यूचर यहाँ क्या होता है नीचे कमेंट में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।